कुरुक्षेत्र रैली से विधानसभा का चुनावी शंखनाद करने से पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल के कर्ण कमल कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक दिव्यांग व्यक्ति से भी मुलाकात की है और उसे 50,000 रूपये का चेक भी दिया है। इस दौरान मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नायब सैनी की तारीफ की और कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए, मैं आज नहीं, नायब सैनी और मेरा संबंध बहुत पुराना 1996 से है। जितना अच्छे तरीके से काम को वो करने का उनका स्वभाव है, पहले भी वही था। पार्टी का काम किया, जिलाध्यक्ष के रूप में किया तब भी वही था, प्रदेश में श्रम मंत्री के रूप में काम किया तब भी अच्छा था, बाद में सांसद के नाते काम किया तब भी अच्छा रहा है, प्रदेश के अध्यक्ष के नाते उन्होंने काम किया वो भी अच्छा काम था। आज वो मुख्यमंत्री के नाते नहीं, कोई भी कार्यकर्ता जो होता है वो जिस पद पर पहुंच जाता है वो अपने विवेक से अच्छा ही काम करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना अभियान चलाएगी, बीएसपी अपना चलाए, इनेलो चलाए, वो तो ठीक है, अपनी अपनी पार्टी का साथ चला रहे हैं, लेकिन उस पार्टी का क्या करें जब एक ही पार्टी में दो दो तीन तीन चार चार जगह उमंगे उठती हैं और वो उस कदर जा करके और अपने आप को उभारते हैं, आगे चल के क्या बनेगा तो प्रभु मालिक। मैं उन खिलाड़ियों को, उन खिलाड़ियों के जो उनको जिन्होंने तराशा है, ऐसे उनके कोच हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको सबको बधाई देता हूं और उन खिलाड़ियों को भी एक प्रकार से मैं पूरी पूरी बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया, देश का नाम ऊंचा किया, परिवार का नाम ऊंचा किया। और आशा करता हूं कि अभी और भी जो खिलाड़ी हैं उसके अंदर मेडल ला करके देश के नाम को ऊंचा किया।